हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम दोपहर के 2 बज रहे, कपड़े सारे मैं सूख चुके थे तो निकाल ले आई हूँ, इन्हें फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो अभी खाना नहीं हुआ, ये नहीं आए हैं, अब आ जाएंगे। तो ये आ चुके हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है और ये दोबारा से गैरेज जा रहे हैं। और सब दिवाली में आए थे, अचानक से सब चले गए एक ही दिन में। सोनल भैया, पूजा सभी चले गए, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अपने पहले वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और मेरी बहनों को भी मैंने बुलाया था मगर वो भी नहीं आ पाई है। तो सोच रही हूँ मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, कामों में बिजी रहेंगे तो मन लगा रहेगा। अभी दिनेश भी नहीं आए तो अकेले से टाइम नहीं चला, टाइम जा नहीं पाता है। कुछ ना कुछ कामों में बिजी रहो तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो आज करने के लिए कुछ काम भी नहीं थे मेरे पास, बस बोरिंग सा दिन जा रहा था आज का। तो सोचा ये ब्लाउज सी लूँ मैं, तो ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ है। और ये पूजा में जो पूजा करती हूँ मैं, लक्ष्मी पूजा, धन पूजा, जो भी पूजा होती है वहाँ पर चौकी के ऊपर इसके ऊपर पूजा की थी मैंने, इस ब्लाउज़ के ऊपर। तो वही ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर सिल कर ले रही हूँ, क्योंकि ये खुद ही हम सिल कर पहन लेते हैं ना, ये ब्लाउज़ कहीं भी रखा नहीं जाता है, ना किसी को किया जाता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ मेरा टाइम भी चला जाएगा इसमें और मैं बोर भी नहीं होंगी और ये मेरा ब्लाउज़ भी सिलना हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लाउज़ मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ इंच पट्टी लगाकर। और मुझे दूसरे ब्लाउज़ लेकर उसकी मतलब उसका जो माप है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितने इंच की ब्लाउज़ इस तरह से, मतलब मैं बार बार सीती हूँ ना तो मुझे पता है मेरा खुद का माप क्या है। तो इसलिए डायरेक्ट इंच पट्टी लगाकर इसे इस तरह से, और पेंसिल छोटी वाली मिल नहीं पा रही थी तो मैंने ये विभूति ली है जिससे मैं इस तरह से निशान बना ले रही हूँ। तो बस जब हम बोर होते हैं कुछ ना कुछ काम निकालो तो दिन अच्छे से चला जाएगा, टाइम भी हमारा कट जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बोर हो जाते हैं, कितने भी काम रहे मगर बोर हो जाते हैं, हमारा मन मतलब कहीं भी दिल नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है। तो तब ना कुछ काम निकाल कर उसमें टाइम, अपना टाइम जो है उसमें निकालना चाहिए हमें, मुझे ये अच्छा लगता है। और नहीं तो टीवी लगा कर मैं कुछ ना कुछ अपना पसंदीदा सीरियल वगैरह देख लेती हूँ, मगर अब दोपहर के टाइम में कौन सा सीरियल देखूँ कुछ भी नहीं है। जो भी सीरियल देखने हैं वो शाम के टाइम देखती हूँ, मेरा एक ही फेवरेट सीरियल है जो मैं शाम के टाइम देखती हूँ 6 बजे। तो अब टीवी भी देखने का मन नहीं है मेरा, तो ये ब्लाउज़ भी अब कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं सारा मन अब इसी में लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ इस तरह से कट कर ले रही हूँ। मैं ब्लाउज़ तो कट कर रही हूँ मगर मुझे अब याद आ गया कि ये कलर की रील ही नहीं है घर में, तो फिर से दिनेश का वेट करना पड़ेगा। जब स्कूल से आएगा तब जाके ये रील ला कर देगा, तब मैं सिलूंगी, तब तक मैं कट करके रख देती हूँ। दिनेश आते ही तुरंत इसे भेज दिया था मैंने रील लाने के लिए, और भी कुछ सामान, बिस्किट वगैरह लाना था। तो ये नमकीन बिस्किट चाय के साथ बहुत अच्छे लग रहे तो वही मंगवाए फिर से। और ये देखिए दो रील ले आए हैं लाल कलर के, और ये बिस्किट का पैकेट वगैरह ले आए हैं दिनेश। तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे सामान रोज मुझे लगते हैं तो दिनेश स्कूल से आते ही ले आता है, कितना भी याद करो एक साथ लाने की मगर कुछ ना कुछ छोटे मोटे सामान छूट ही जाते हैं जो डेली हमें लाने होते हैं। तो यहाँ पर अंदर बैठ के मैं पहले अस्तर जोड़ ले रही हूँ, और अस्तर में कट नहीं करती हूँ, बस अंदर का अस्तर कट कर लेती हूँ। ऊपर का जो डिज़ाइन वाला ब्लाउज है वो कट नहीं करती हूँ, अस्तर बस इसे जोड़ती हूँ फिर बाद में कट कर लेती हूँ। सीने के तरीके बहुत सारे हैं, बस मैं इस तरीके से ही आसान लगता है मुझे, तो इस तरह से कट कर ले रही हूँ। और ये उल्टा है ब्लाउज तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। और सुई लगाती हूँ मैं क्योंकि ऐसे फिसल जाता है, थोड़ा सा भी अस्तर फिसल गया तो फिर ब्लाउज सही से बैठ नहीं पाएगा। तो सुई लगाकर अच्छे से इसे मैंने अस्तर जोड़ दिया है, फिर बाद में कट कर लिया है। और मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, शाम के 6 बज रहे, तो मैंने मशीन ना बेडरूम से बाहर हॉल में रख दी है और टीवी देखते हुए ब्लाउज सिल दे रही हूँ। मेरा सीरियल भी देखना हो जाएगा और ब्लाउज में मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट हो जाएगा।
आधा ब्लाउज सिलना हो चुका है और इसमें इतनी मग्न हो चुकी हूँ कि मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अब पहले चाय बनाकर पी लेती हूँ। चाय यहाँ पर बना ली है, अब शाम के 6:30 बज रहे तो चाय नहीं पीऊँगी। एक दिन तो बहुत आलस आ जाता है मुझे, आदत सी हो चुकी है चाय की, बिना चाय के मैं नहीं रह पाती हूँ। तो चाय बना ली है और ये नमकीन बिस्किट भी ले ली है और दिनेश को भी दे दिया है चाय और बिस्किट। दूध पी लेता है वैसे तो ये, मगर आज चाय पीने का मन है इसका, कभी कभी पी लेता है, मगर दीपक ना बिल्कुल कभी चाय नहीं पीता है वो। दिनेश मेरे साथ कभी कभार पी लेता है। तो आ जाइए अभी चाय, शाम वाली चाय पी लेते हैं। चाय पीकर फिर से ब्लाउज सीने में लग चुकी हूँ। आधा ब्लाउज हो चुका है, अभी आधा कंप्लीट कर लेना है और ब्लाउज कंप्लीट होते ही फिर रात का खाना भी बनाना है। तो अब फटाफट से कर लेती हूँ और इस कामों में ना मेरा दिन ऐसे भाग गया ना, ऐसे टाइम भाग गया, बिल्कुल बोर नहीं हुई मैं तो। पहले ना बहुत बोर हो रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी मुझे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ काम में बिजी रहो तो टाइम भी चला जाएगा और हम बोर भी नहीं होंगे और हमारे काम भी हो जाएंगे, इसमें सब तरफ से हमारा फायदा होगा। बस कुछ ना कुछ काम निकालते रहो। तो ये देखिए ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है और जो डेली यूज वाला मेरा ब्लाउज जो है उसी का माप लेकर मैं अभी सिलाई मार लेती हूँ ताकि लूज ना हो, ना ज्यादा टाइट हो। तो हो चुका मेरा ब्लाउज कंप्लीट। अब इसमें हुक और लूप बाद में बना लूंगी, अब रात का खाना भी बनाना है तो इसे ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। ये किसी भी साड़ी पर मैच हो जाएगा, इसके ऊपर ना काफी सुंदर डिजाइन बनी हुई है। ब्लाउज तो हो चुका, आप चलिए बना लेते हैं रात का खाना। तो कढ़ी और रोटी बना लेती हूँ रात के खाने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम है और दिनेश यहाँ पर पढ़ाई कर ले रहा है और दीपक भी खाना वाना खाकर रेडी है कॉलेज जाने के लिए। और मेरे भी काम हो रहे हैं, झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगा ले रही हूँ और जो डंडी वाला, लंबी डंडी वाला जो पोछा है वो नहीं लिया है मैंने आज, ऐसे हाथ से ही मैं
पोछा लगा ले रही हूँ कपड़ा लेकर। क्या होता है ना, वो डंडी वाला लेकर भी मुझे बाद में कपड़े से पोछना ही पड़ता है, फिसलन सी हो जाती है, तो सोचा आज इसी कपड़े से ही पोछ लेते हैं। वो पोछा लिया ही नहीं, तो बेडरूम में किचन रूम में पोछा लग चुका है, हॉल में भी लगा ले रही हूँ। और ये टी टेबल ना दिन में 3-4 बार ऐसे ही पोछती रहती हूँ, फिर भी वैसे ही हो जाता है धूल धूल सा, सामने से एकदम हवा आ जाती है तो काफ़ी उसके ऊपर ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और आज क्या हुआ, पहले मैंने हॉल में सब तरफ झाड़ू पोछा कर दिया, फिर बाद में लास्ट में आई हूँ यहाँ पर बाहर धोने के लिए। यहाँ पर धूल चुकी हूँ, बाहर झाड़ू लग चुकी है, सब कुछ पानी डालकर धूल चुकी हूँ, इस तरह से पानी छिड़क दे रही हूँ। अभी रंगोली बनानी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है इसलिए स्वेटर पहना है मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब साथ ही साथ रंगोली भी बना लेती हूँ, फिर बाद में नहा लेंगे। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, बस इसी कामों में लगी हूँ। और ठंड की वजह से ना जल्दी से काम हो नहीं पा रहे, हाथ एक से एकदम से अकड़ जा रहे हैं ठंड की वजह से, जैसे पानी में हाथ डालो ना तो हाथ अकड़ से जाते हैं। अब सुबह के 7:30 बज रहे और मेरे सुबह के सारे काम निपट चुके हैं। अब ब्रश करके नहा लेती हूँ। और दिनेश तो पढ़ाई कर रहा है, अभी उठा नहीं है, वो भी अभी ब्रश नहीं किया है, जैसे उठा है पढ़ाई करने में लगा हुआ है। उसे होमवर्क बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है स्कूल की तरफ से, तो इसीलिए वो उठते ही होमवर्क करने में लगा रहता है।